नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर शेयर में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष दोस्त। तो दोस्तों, आज की वीडियो बात करेंगे जीवी फिल्म्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट अभी अभी डिस्प्ले किया है। तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या है रिजल्ट के अंदर, क्योंकि रिजल्ट के अंदर बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ें देखने को मिली है। बेसिकली ये डाटा पहले मैं बता दूँ आपको, ये लाख्स में दिया हुआ है। तो बेसिकली पिछले क्वार्टर में क्या था, एक सेकेंड, कंपनी का जो मेन ऑपरेशन के थ्रू जो रेवेन्यू आता है वो 0-0 है, जिससे पता चलता है कि कंपनी बंद है, कंपनी का कोई काम नहीं चल रहा है, कंपनी पूरी तरह से बंद है, ताला लगा हुआ है। इस क्वार्टर में क्या हुआ, कंपनी फिर से बताई कि मैं पूरी तरह से बंद हूँ, मेरा ताला लगा हुआ है, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ था, कंपनी फिर से पिछले साल भी दिखा रही है कि उनका पिछले साल भी ताला लगा हुआ था। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी पिछले एक साल से जो डाटा यहाँ पे है, उस हिसाब से पता चलता है कंपनी पिछले एक साल से बंद पड़ी है। कंपनी के पास कोई रिवेन्यू नहीं आ रहा है ऑपरेशन के थ्रू, कंपनी कारोबार नहीं कर रही है। तो उनका रिवेन्यू मतलब आता कहाँ से पे, तो देखिए बेसिकली पिछले क्वार्टर में क्या था, 2,64,000 का कंपनी का अदर इनकम के थ्रू रिवेन्यू आया था, जबकि इस क्वार्टर में 9,000 रुपये का रिवेन्यू आया है। जी हाँ, जबकि पिछले साल की बात करें तो 3,60,000 का रिवेन्यू था। तो क्वेश्चन ये लोग बोलेंगे कि अरे इस बार रिवेन्यू ज़्यादा आया, मतलब रिवेन्यू आया तो 9,000 का। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, प्रॉफिट दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंक्लूड करूँगा कि बेसिकली मैं क्यों इस शेयर पे इतना अभी बताने वाला हूँ क्या होगा इस शेयर का। देखिए बेसिकली क्या हुआ था, प्रॉफिट इस ये जो पिछले साल था ना, पिछले क्वार्टर में कंपनी का 37 लाख का लॉस था, इस क्वार्टर में 21 लाख का लॉस है, पिछले साल 38 लाख का लॉस है। तो लोग बोलेंगे कि इस साल लॉस कम हो चुका है। अरे सर, लॉस कैसे कम हो चुका है, कंपनी जब काम ही नहीं कर रही है तो आप किस चीज़ पर उसकी वैल्यू लगाओगे। अगर आप बताओ, आप कमा ही नहीं रहे हो, आपको कोई और पॉकेट खर्चा दे रहा है, तो आपका वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ आपका। वैसे ही कंपनी का वैल्यू ही यहाँ पे 0 है, कंपनी कुछ कमा ही नहीं रही, मेन ऑपरेशन के थ्रू कुछ उनको आ ही नहीं रहा है, कंपनी बंद पड़ी है। कंपनी क्लियरली बता रही है कि मैं बंद पड़ा हुआ हूँ कंपनी, लेकिन आप लोग उसको वैल्यू देने के लिए तैयार हो कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है इस शेयर से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शेयर ऑपरेशन के नहीं है। देखिए एक शेयर का नाम मैं अभी और लेना चाहूँगा आपको, एक आप जाके चेक कर लो, विकास प्रोप्रेंट ऐसा नाम है एक इस शेयर का, आप जाके चेक कर लो। उस शेयर के साथ भी यही कहानी है, उस शेयर के साथ भी रिवेन्यू 0 आ रहा है उस शेयर का। यही एक बार उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, उस पर भी मैंने बताया सबको कि बेसिकली कुछ रिवेन्यू नहीं करी है, कंपनी में ताला लगा हुआ है। मैंने जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि ताला लगा हुआ था। तो मैं इस शेयर में भी बता रहा हूँ कि इसके रिजल्ट से क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी में ताला लगा हुआ है, कंपनी कारोबार नहीं कर रही है, कंपनी बंद पड़ी हुई है। लेकिन आप अगर इस शेयर के अंदर फंसे हुए हो, आप बाई किए हुए सोच रहे हो कि नहीं रिज़ल्ट अच्छा है, तो मेरे बस की बाहर की चीज़ है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर रिवेन्यू कंपनी शो नहीं कर रही है तो उस शेयर में घुसना ही नहीं चाहिए जिस शेयर में कंपनी बंद पड़ी हुई है। कंपनी के अदर खर्चे या अदर एक्सपेंस के थ्रू हम उसको जज नहीं कर सकते कि कंपनी कैसी है। तो मुझे लगता है आपके पास शेयर है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है इस शेयर के अंदर बने रहने से। क्योंकि आप देख सकते हैं बेसिकली क्या कंपनी क्या एक्सपेंस कहाँ खर्च करे, एम्प्लॉय बेनिफिट पे खर्च कर रही है, मतलब 2-4 गार्ड लगे होंगे रूम के बाहर, चौकीदार होंगे 2-4, उस पर खर्च कर रही है। फाइनेंस कॉस्ट है उस पर कंपनी का आ रहा है, क्योंकि कंपनी लोन ली हुई है, डेब्ट फ्री कंपनी है नहीं, बहुत सारे डेब्ट है इसके पास, तो उस वजह से इंटरेस्ट पे करना का पता है इस कंपनी को। तो मेरे हिसाब से तो रिजल्ट क्या एक्सप्लेन करे, क्या टारगेट दे इसके ऊपर, क्योंकि जब कंपनी काम ही नहीं कर रही है तो इसके ऊपर कोई टारगेट देना ही बनता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस शेयर से आपको दूर रहना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। साथ में भी बताना चाहूँगा, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ में साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आप पता चले कि भाई कंपनी बंद पड़ी हुई है, लोगों को पता चले कि कंपनी बंद पड़ी हुई है, अपना शेयर निकाले, एग्जिट करे। क्योंकि इस शेयर में रहना मुझे नहीं लगता है कि समझदारी वाली बात होगी। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ में साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।